पांच भाव की चर्चा चल रही है। कर्मोपाधि सापेक्ष भाव और कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव। पारिणामिक भाव माने कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव। पारिणामिक भाव से तो पारिणामिक भाव की महिमा होती ही है, ही कह रहे हैं उसमें ही। लेकिन जो चार भावों का ज्ञान कराया गया वो भी पारिणामिक भाव की महिमा के लिए कराया गया। परिणामी भाव से तो परिणामी अस्थि में बोलता है, स्वयं से बोलता है, लेकिन चार भाव हैं उनसे भी उसी का पोषण होता है। औदिक भाव क्या कहता है? ओहो, परिणामी भाव की ओर नहीं देखकर औदिक भाव में लक्ष्य करते हो इसलिए दुखी हो। औदिक भाव ने भी ये सिद्ध किया परिणामी भाव की विराधना का फल औदिक भाव है। परिणामी भाव में रमणता हो तो औदिक भाव ना हो। अब यथा योग गुणस्थान प्रमाण लगा थे ना, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है औदिक भाव बढ़ता जाता है। केवल ज्ञान मोक्ष होने के बाद तो परिणामी भाव में पूर्ण रमणता है। छायिक भाव प्रकट करना हो तो परिणामी में रमो। स्टार्टिंग कैसे करें साहब? छायिक तो नहीं हो सकता पंचम काल में। अनादि मिथ्या दृष्टि को छायिक भाव तो नहीं होता एकदम, कोई बात नहीं, औपसमिक तो होता है। तो औपसमिक होता है तो औपसमिक कैसे होता है? वो भी परिणामी भाव की रुचि से औपसमिक भाव होता है। धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव माने धर्म की शुरुआत ओहो अपने को आत्मा जानने से होता है, परिणामी की रुचि से होता है। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। तब करें कैसे? हमें तो अब कल ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? छह समय है मेरा, छह समय कोई जीव नहीं है। उसी छह समय के बल पर स्वयं पर कोई जाना जाता है कि साहब केवल ज्ञान तो नहीं है, मत हो तो केवल ज्ञान। यदि छाय समय भाव है तो केवल ज्ञान होगा, चिंता क्यों करते? गजब बात है, ध्यान से सुनने की बात है। मोक्ष मार्ग के लिए छायिक भाव की जरूरत ही नहीं, कुछ कारण है। मोक्ष मार्ग के लिए छायिक भाव की जरूरत नहीं है, वो तो अच्छे अवसर है ना, समझो। क्यों? कि जैसा और जितना आत्मा जानने की जरूरत हो तो अच्छे अवसर में जानने में जाता है, छायिक भाव में तो लोकालोक जानने में जाता है। लोकालोक को जानने समय दर्शन होता है, तो मोक्ष मार्ग के लिए छायिक भाव का जरूरत है? हमें तो ज्ञान ही नहीं है। अरे केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है, छह उपशम है। स्वामी जी इसकी बहुत महिमा करते थे छह उपशम की। ओहो, जो मति सतत ज्ञान है वो केवल ज्ञान का बीज है। अब बीज है तो वृक्ष को रो रहे, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं। अरे बीज है, जिसके पास बीज है उसे केवल ज्ञान इसी टेंशन। अब देखो पांच भाव में भी टेंशन कहाँ बची? पांच भाव पढ़ के तो आ गए हुए, पढ़े आए ना तुमने जयपुर? हाँ, तो पांच भाव के नाम तो पढ़े हो, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय। ये पांच भाव का सार हो गया तीसरे। देखो ये शैली स्वामी जी ने सिखाई, पहले भी पांच भाव पढ़े जाते थे ऐसे, और ही कर्म की उदय से औदिक भाव, और ही कितने औदिक भाव, असंख्यात लोग प्रमाण औदिक भाव, इतना बंद, अरे मर गए, अब सत्तर कोड़ा कोड़ी, अब जी जी ऐसे पहले वो देखो ऐसे पढ़े जाते थे। छायिक भाव कैसे पढ़ा जाता था?
चाहे। अरे भाई क्या अपन कहाँ इतने भागशाली है, भगवान को होता है अपन तो। मैं छाई भाव ऐसे पढ़ा जाता था दीनता पूर्वक, और समय कैसे पढ़ा देखो जब हो जाए जब हो जाए। अनधिवसाय, अनधिवसाय तो बहुत खतरनाक पाप है, खतरनाक पाप, सबसे बड़ा पाप अनधिवसाय। मिथ्यात का पोषक होता है, इसलिए बहुत बड़ा खतरनाक है। मैं रावण और रावण का सपोर्टर, मिथ्यात रावण है तो अनधिवसाय उसका सपोर्टर है, ऐसी स्थिति है। पहले ऐसे पढ़े जाते थे, और पारिणामी भाव की तो खबर ही नहीं पड़ती थी। पारिणामी देखते हैं पढ़ लेते हैं, रट लिया जाता था कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष, बस खत्म। लेकिन हम आपको पारिणामी भाव का खुलासा करते हैं, उसकी चर्चा बंद कर रहे हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष एक पॉइंट अभी इतने दिन पूरा हुआ, कौन सा? पारिणामी भाव तो कर्मोपाधि निरपेक्ष है ही, वो तो अपनी महिमा करता ही है, बताता ही है, आपकी महिमा बताता ही है। लेकिन जो चार भाव हैं वे भी आज तो भजन की लाइन याद आ रही थी, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, तो पांच भाव से दिमाग चल रहा है, तो कैसा सुंदर छायक भाव है जिसमें दिखता पारिणामिक भाव। नहीं समझ में? जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप माने पढ़ना है। देखो मजे लेने के ढंग है ये तो। देखो आप जी सोचो ना, अब यहाँ से बैठ जाओ, चिंतन चलाओ, चिंतन चिंतन कुछ नहीं चलेगा, वो तो आप मजे लो, गाथा पढ़ो, भजन पढ़ो और कन्वर्ट कर दो उसको। पांच भाव में, मैं अनादि से दुखिया व्याकुल, करो ट्रांसलेशन, अनादि से अनादिकाल से औदिक भाव। ये तो उसकी बात है, लेकिन औदिक भाव क्या बताता था वो तो ये बता रहा था, तू पारिणामी का तिरस्कार करता है इसलिए खड़ा हुआ है। तो अपने ज्ञायक भाव का अनादर करते हो इसलिए औदिक भाव खड़ा हुआ है। सब औदिक भाव से कैसे बचे? सुनो, केवल पारिणामिक भाव का आदर करो, औदिक भाव चले जाएंगे, चले जाएंगे, चिंता नहीं करो। अब कैसे करें आदर, वो सबकी चर्चा अपन करेंगे। ऑपरेशन शुरू करते हैं अपन, पारिणामिक भाव का पहला पॉइंट पूरा हो गया, अभी दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखो पारिणामिक भाव के अंदर में एक विशेषता पहले कहते, हालांकि मैं प्रतिदिन कहूंगा जब तक मैं पढ़ाऊंगा इसे, प्रतिदिन कहूँगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि उस तब रोज नहीं पढ़ा पाऊंगा इतना, आप लगाना खुद में। उस समय हो सकता है मैं थोड़ा सा कम बोलूँगा, लेकिन आज ज़्यादा बोल देता हूँ, आप खुद लगाना उस चीज़ को कि पारिणामिक भाव अप्रभावी है। कल का था अनादि अनंत है, शाश्वत है, ज्यों का त्यों है, कर्म उपाधि निरपेक्ष में चार भाव से निरपेक्ष है, उस निरपेक्ष का ही एक अर्थ, अच्छा अर्थ है अप्रभावी। और मैं इसलिए शब्द ले रहा हूँ, नियम साजी में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, असहाय, पारिणामिक भाव असहाय है। हालांकि मैं तो पर्याय को भी असहाय कहता हूँ, है ही हम क्या कहते हैं, है ही अप्रभावी। थोड़ी सी महिमा करेंगे इसकी, क्यों ध्यान रखना, आप शब्दों में मत खोजना, ग्रंथों में मत खोजना, कहाँ लिखा है क्या लिखा है, लिखा तो सब जगह है, हम भी बता देंगे आपको, अब तो अपने को रखो ऐसा, जितनी बातें कहते हैं ऐसे रख लो, अपने ऊपर कहती कह रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मजे लेते जाना। कल रात को हम तो आनंद लेते रहे, लेकिन अब तुम जितना उसमें डाइल्यूट हो जाओ, जरा भी इधर उधर गई तो फिर कल का प्रयोजन समझ में नहीं आया सामने का। खैर मेहनत करेंगे। पारिणामिक भाव अप्रभावी है, सबसे बड़ी खुशखबरी है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अनादिकाल से भगवान आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं, अनंत गुणों में कुछ हुआ ही नहीं, असंख्यात प्रदेश में से एक भी कम नहीं हुआ, और क्या चाहिए, पूरा खजाना तो सुरक्षित है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाले गए, अमेरिका के द्वारा बम डाले गए, वहां हमारा भी एक मकान था छोटा सा,
इतने बम गिरे उस मकान के ऊपर, बहुत सारे बम गिरे, लेकिन कमाल है मेरे मकान का, उसका एक कण नहीं खिरा, उसकी एक कण नहीं खिरा। और तो आप क्या बात करें, तो कितना मजबूत मकान हुआ बोले, इतने करोड़ों बम गिराए जाने पर भी मेरा मकान ज्यों का त्यों सुरक्षित। किसी मकान का एक कण नहीं गिरा, मैंने सीमेंट तक नहीं खिरी, लेकिन लोहा गिर गया बता वो भी नहीं, तो खिड़की वो भी नहीं, तो तिजोरी का माल कि अरे वो तो सब सुरक्षित।